हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसबीर हियर। आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस श्रीदेवी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। आज सुबह इस न्यूज़ के आने के बाद हर तरफ लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं कि एक ऐसी एक्ट्रेस जो एक बहुत अच्छी हेल्थ कंडीशन में है और जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पति श्री बोनी कपूर जी ने जो बताया है कि बहुत समय से उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कि उनको कभी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या एक सेलिब्रिटी जो बहुत अच्छी हेल्थ में हैं, जिनकी डाइट बहुत अच्छी है और जिनका रेगुलर चेकअप होता है और जिनकी हेल्थ के बारे में आप किसी भी तरह का डाउट नहीं कर सकते हैं, और उनकी अचानक इस तरह से डेथ हो जाती है, तो आम इंसान कितना ज़्यादा सेफ है या आप कहें कितना ज़्यादा अनसेफ है, इसी टॉपिक के ऊपर हमारी आज की ये चर्चा रहे। तो दोस्तों, कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं? कितने लोगों को पता है कि उनकी लिवर की, उनकी किडनी की हेल्थ कैसी है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है? आई थिंक 1% से भी कम पॉपुलेशन हमारे देश में रेगुलर ब्लड चेक अपना करवाती है। जब तक किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जब तक उसका डॉक्टर उनको रिकमेंड ना कर दे कि आप जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, तब तक कोई भी इंसान ब्लड टेस्ट नहीं करवाता। और यही रीज़न है कि जब आप बीमार पड़ते हो तब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, तब आपकी उस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में ढेर सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और फिर आपको डॉक्टर ढेर सारी दवाई देता है और आपसे ढेर सारे पैसे लेता है। तो एक इंसान को, एक आम इंसान को जो 25 से ऊपर है, उसे हर 6 महीने में अपना रेगुलर ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आप रेगुलर 6 महीने में नहीं करवा सकते तो आप एटलीस्ट साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करवानी चाहिए। सो नंबर वन इज आपका ब्लड प्रोफाइल, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल। नंबर टू आपका लिवर फंक्शन टेस्ट। नंबर थ्री आपका किडनी फंक्शन टेस्ट। नंबर फोर आप करवा सकते हैं आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल। और नंबर फाइव आप करा सकते हैं थायराइड टेस्ट। जैसे फीमेल जो हैं उनको थायराइड के इश्यूज रहते हैं, और जितने भी फीमेल हैं जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपना थायराइड भी उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए। इस टेस्ट को करवाने का तरीका क्या है? सपोज़ आपको आपको अपना यूरिन और ब्लड का सैंपल देना है, तो ये सैंपल कलेक्ट होगा अर्ली मॉर्निंग में। तो उससे एक दिन पहले आप अपने आप को बिल्कुल हल्का खाना खाइए, अपने आप को जितना लाइट आप रख सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। बहुत सारा पानी पीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए, क्योंकि अगर आपने एक दिन पहले कुछ हैवी खा लिया, या आपने ड्रिंक कर ली है, या आपने डिनर में कुछ हैवी खा लिया, तो आपकी रिपोर्ट जो सुबह आप जो ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल्स दोगे तो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो आपके मुताबिक सही नहीं होंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत कम आएंगे। तो बेहतर यही है कि आप एक दिन पहले हल्का भोजन करें और बहुत सारा पानी पीजिए, और फिर अगले दिन सुबह आप अपना ब्लड सैंपल दे सकते हो और साथ में यूरिन सैंपल आप दे सकते। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराते रहें, अपना यूरिन टेस्ट वगैरह कराते रहें। और जब ये चीज़ होती रहेगी तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी हेल्थ टू द मार्क है कि नहीं है। अगर वहाँ पे किसी भी तरह की कोई वैल्यूज़ ऊपर या नीचे आती हैं तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कोई फैमिली डॉक्टर ही नहीं है, वो कभी किसी डॉक्टर से दवा लेते हैं तो कभी किसी डॉक्टर से। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले एक ऐसा डॉक्टर आप ज़रूर देखें जिनसे हमेशा आप और आपकी फैमिली दवा ले सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बिकॉज़ अगर आपके डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता है और वो आपको कई सालों से जानते हैं, तो फिर उनके लिए आपको सही सजेस्ट करना, सही दवाई बताना और हर चीज़ को सही तरीके से नोट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप किसी डॉक्टर, कभी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और कभी किसी के पास जा रहे हो, तो उस कंडीशन में शायद उतनी अच्छी तरह से आपकी देख रेख ना हो सके। तो जैसे ही आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आप अपनी रिपोर्ट को अपने डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। और अगर आप जिम जा रहे हैं और रेगुलर, और आपका जो ट्रेनर है वो आपका ध्यान रखता है, आपकी डाइट भी वही प्लान करता है, तो आप अपना जो ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो उनसे चेक ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो आपकी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल में वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, जिनको VLDL बोलते हैं,
अगर वो कम है तो वो आपको कुछ सजेस्ट करेंगे कि आप ये चीज़ें मत खाइए, और अगर आपका HDL कम है तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप ये चीज़ें अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, जैसे गुड फैट वाली चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या ओमेगा 3। तो इसी तरह से आपके ट्रेनर जो हैं या आपके डाइटिशियन जो हैं उनसे भी आप अपनी उस रिपोर्ट को दिखा के कंसल्ट कर सकते हो। नॉर्मली हर इंसान को ये चीज़ें करवा लेनी चाहिए, चेक करवाते रहना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने बात शुरू की थी श्रीदेवी जी से जो आज हमारे बीच नहीं है, तो अगर इस लेवल के इंसान के साथ भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं और हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, तो आप ये समझ लीजिए कि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। जब आपको बोला जाए, जब आपको लगे, जब आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, तो आपको जिम जाना चाहिए, आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। अगर एक आम इंसान की बात करें जो जिम जाता है रेगुलर या जाती है, तो उनका जो साल का खर्चा आता है, मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ कि साल का खर्चा आता है एक साल की किसी जिम अच्छे जिम की फ़ीस अगर बात करें तो वो 12,000 से 15,000 तक होती है। तो 15,000 अगर उन्होंने फ़ीस एक साल के लिए दे दी है तो वो अपनी उन प्रॉब्लमों से, बीमारियों से लगभग अपने आप को 50% तक बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, आप अच्छा नहीं खा रहे हो, यू नॉट केयरफुल एनफ कि आप क्या खा रहे हो, कैसे सो रहे हो, आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो अगर आप साल में एक बार बीमार हो जाते हो, आपकी बॉडी को तो बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो कितने लोग ऐसे हैं जो साल में जब बीमार होते हैं तो उनकी दवा दारू के ऊपर कम से कम जो है 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा बड़े आराम से हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो आप साल का 12 या 15 हज़ार रुपये जिम के ऊपर खर्चा करते हो, एक तरफ वो आपको आपकी वो सेविंग कर लेता है, क्योंकि तब आप बाहर की चीज़ें नहीं खाते हो। एक जिम जाने वाला इंसान अक्सर बाहर की चीज़ों से परहेज़ करता है, वो पिज़्ज़ा नहीं खाता, वो फास्ट फूड नहीं खाता। लेकिन जो बंदा जिम नहीं जा रहा वो इतना ज़्यादा केयरफुल नहीं होता अपनी डाइट को लेकर, और अक्सर वो बाहर बहुत खाना शुरू कर देते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, जैसे चिप्स हो गए, चॉकलेट हो गए, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हो गए। तब आप अगर आप कैलकुलेट करो तो ये डिफरेंस कम से कम जो है साल का 10 से 15 हज़ार का पड़ जाता है। दूसरी चीज़ है कि वो जो इंसान जिम रेगुलर जा रहा है उसके बीमार होने के चांसेस बहुत कम है, जबकि दूसरा इंसान जो जिम नहीं जा रहा, अगर वो बीमार होता है तो उसे कम से कम जो है 5 से लेके 10 हज़ार रुपये तक का भी खर्चा पड़ सकता है। अगला जो डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस एक जिम जाने वाले इंसान का एक आम इंसान से अलग होता है, वो होता है कि जिम जाने वाला इंसान मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उसका ब्रेन प्रोडक्टिव तरीके के आइडियाज़ विकसित करता है। तो अगर आप तुलना करेंगे, एक लेटेस्ट रिसर्च हुआ था जिसमें देखा गया है कि जो लोग जिम जा रहे हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा बिजनेस कर पाते हैं, वो अपनी जॉब के अंदर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जो जिम नहीं जाते हैं वो अपनी एंग्जाइटी को दूर नहीं कर पाते हैं, वो अपने डिप्रेशन के साथ लड़ नहीं पाते हैं, अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब और अपने बिजनेस में उतना अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अगर आप एवरेज निकालें साल में काफ़ी नुकसान आपका हो सकता है अगर आप जिम नहीं जा रहे हो, और दूसरी तरफ अगर आप जा रहे हो तो आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कर सकते हो। लेट्स से कि अगर किसी इंसान ने कोई इंसान अपने स्ट्रेस के साथ, कोई डिप्रेशन के साथ लड़ नहीं पा रहा, और उसकी उसके बॉस के साथ कोई मीटिंग होती है और वो वहाँ से गुस्से में नौकरी को छोड़ देता है, तो उस इंसान का उस महीने की सैलरी का जो कि 10,000, 15,000 या 20,000 जो भी उसकी सैलरी है, सीधा सीधा उसका वो लॉस है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस के साथ लड़ नहीं पाया। जबकि दूसरी तरफ जो इंसान जिम रेगुलर जाता है वो इन चीज़ों के साथ बड़े आराम से अपने आप को हैंडल कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी ये नुकसान होने से वो खुद को बचा लेता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो आपको बताना चाहते थे, वो आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा और आप
आज तक जो अपनी सेहत का ख्याल रखते आ रहे हो, आने वाले वक्त में आप इससे बेहतर अपनी सेहत का ख्याल रखोगे, क्योंकि दोस्तों आपकी सेहत से ऊपर इस दुनिया में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब तक आप हो, जब तक आप सेहतमंद हो, जब तक आप आपका दिमाग, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी बॉडी अच्छी तरह से काम कर रही है, तभी तक आप एक अच्छी ज़िंदगी को सच में जी रहे हो। तो थैंक यू सो मच, और हम आशा करते हैं कि अब आप अपनी सेहत का आगे से 10 गुना ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच।